इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। 3 tan² θ + 2√3 tan θ + 1 = 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम देखें तो ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है। यहाँ टेन थीटा की डिग्री 1 है, यहाँ टेन स्क्वेयर थीटा मीन टेन थीटा की डिग्री 2 है। इसको हम लिख लेते हैं √3 tan θ² + 2√3 tan θ को क्या लिखें, 2 × 1 √3 tan θ + 1² = 0। तो ये असल में क्या है, √3 tan θ + 1² = 0, यानी ये √3 tan θ + 1² कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ से क्या आ गया, 1 + √3 tan θ = 0, √3 tan θ = -1, और टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/√3। सिंस टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स विद अ रेफरेंस एंगल θ = π/6, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, π/6 पर। तो रेफरेंस एंगल क्या हो गया, θ = π/6। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, π - π/6, ये आ जाएगा 5π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, 2π - π/6 = 11π/6। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 5π/6 = 11π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, tan²θ - sec²θ - 1 = 0। अब यहाँ पर ये टेन थीटा है और ये सिकेंड थीटा है। अगर हम क्या करें, टेन स्क्वेयर थीटा की जगह हम लिखें 1 + tan²θ = sec²θ, तो टेन स्क्वेयर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, sec²θ - 1 = tan²θ। sec²θ - 1 - sec²θ - 1 = 0। अब क्या है कि ये पूरी इक्वेशन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गई। यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से sec²θ - sec²θ - 2 = 0 - 1 - 1 - 2 बन गया। इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है, sec²θ - 2 sec²θ + sec²θ - 2, इन दोनों टर्म में से सिकेंड थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec²θ - 2 + 1 sec²θ - 2 sec²θ - 2 × यहाँ से आ गया sec²θ + 1। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, फैक्टराइजेशन करके दोनों को जब बारी बारी जीरो रखेंगे, sec²θ - 2 = 0 sec²θ + 1 = 0, यहाँ से आ गया sec²θ = 2, मीन्स cos θ = 1/2, और यहाँ से आ गया sec²θ - 1, यानी cos θ = -1। अच्छा, यहाँ जहाँ पे आया था cos θ = 1/2, यहाँ पे हम इसको देखेंगे कोस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। कोस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल θ = π/3। π/3 पर कोस की वैल्यू 1/2 होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए π/3 आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π - π/3, ये बन गया 5π/3। ये दोनों आंसर्स आ गए। उसके बाद था यहाँ से sec²θ + 1 = 0, यहाँ से आया sec²θ = -1, यानी cos θ = -1, और cos θ - 1 की एग्जाम्पल अभी हमने माइनस की है, θ = cos−1 implies θ = π। तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या बन गए, दो सोल्यूशन इसके यहाँ से आ गए और एक सोल्यूशन ये आ गया, तीन सोल्यूशन आ गए, π/3, 5π/3 और π। क्वेश्चन नंबर इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 sin θ + cos²θ - 1 = 0। 2 sin θ + cos²θ - 1 = 0। cos²θ की जगह हम लिखेंगे 1 - sin²θ, यहाँ पर आएगा sin²θ। 2 sin θ - 1 - sin²θ = 0। 2 sin θ - -1, ये स्टेप मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। 2 sin θ + cos²θ की जगह क्या आएगा, 1 - sin²θ - 1 = 0। ये +1 है और ये -1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 sin θ - sin²θ = 0। अब यहाँ से sin थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा और ब्रैकेट में 2 - sin θ = 0, sin θ = 0 2 - sin θ = 0। ये जो sin θ = 0 है, यहाँ से आ जाएगा θ = 0 और पाई, sin जो है वो 0 और पाई पर 0 होता है, और 2 - sin θ = 0 मीन sin θ = 2, और sin थीटा की वैल्यू जो है ये 2 नहीं हो सकती, क्योंकि sin थीटा की वैल्यूज हमेशा 1 से छोटी होती है।
तो ये वाला इस इक्वेशन को हम वैसे ही छोड़ देंगे। सॉल्यूशंस क्या आ गए, जीरो एंड पाई, एंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज जीरो पाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टू साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो। साइन थीटा कॉमन लेंगे, टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो, टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये जो साइन थीटा इक्वल टू जीरो है, यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू जीरो एंड पाए, और टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन ओवर टू, और वन ओवर टू से हम देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कहाँ वन ओवर टू होती है, पाई बाय सिक्स एंगल पर, और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल टू पाई बाय सिक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसको एज इट इज पाई बाय सिक्स ले लेंगे, सेकंड के लिए पाई माइनस पाई बाय सिक्स करेंगे, फाइव पाई बाय सिक्स आ गया। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज जीरो पाई, पाई ओवर सिक्स एंड फाइव पाई ओवर सिक्स, फोर सॉल्यूशंस। और यहाँ पर हमारा 14 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।